भारत की पहलवान विनेश फोगाट का बीजेपी एमपी ने किया यौन शोषण। विनेश फोगाट ने अपील की है कि यंत्र मंत्र धरने ते पहुंचो ते उसका वध तो वध साथ दिता जाए। रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया महिला अधिकारियों का यौन शोषण करते उन्होंने जानों मारन धमकियां देंद अरोपा दे घिरे रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश के ठाकुर के बाहुबली के वजो जाने जाता है। पांच बार बीजेपी सांसद रह चुके ने। 90 के दशक के अंडरवर डॉन का दाऊद इब्राहिम के नाल इस दे तार भी जुड़े दसे जा रहे हैं। ब्रजभूषण तो दाऊद वर्गे लोगों शरण देने के भी आरोप ने। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जितने भी हम पहलवान थे, और ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, हम पहलवानों की लड़ाई है, हम पहलवानों के भविष्य की लड़ाई है, ये पहलवानों के वर्तमान की लड़ाई है, और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें भागीदार हो, और आपकी ताकत हमारी ताकत है, आपके साथ आपके सहयोग की हमें जरूरत है, तो आप सब लोग प्लीज कृपया करके आइए जंतर मंत्र पर और हमारा साथ दीजिए और कुश्ती को बचाने में हमारा एक अहम योगदान दीजिए। धन्यवाद। और विनेश फोगाट को मैंने जब कुश्ती हार गई थी तो इसलिए जाकर के मिला था, और उससे मैंने कहा था कि चलो परेशान होने की कोई बात नहीं, नसीब में नहीं है। इसी विनेश फोगाट को जब वहाँ उस ओलंपिक में वहाँ जिसमें इसका चोट लगी थी रियो ओलंपिक में, ये रो रही थी और इससे ज्यादा मैं रो रहा था, दुर्भाग्य मेरा। उनको मनाने जाएंगे सीधी सीधी सुबह से रेसलर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए मनाने जाएंगे, आगे उनके पास जाएंगे, क्योंकि वो साफ तौर पर अभी भी बोल रहे हैं आपके जितने भी जवाब है वो निराधार है, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के पास ही जाएंगे और अभी बर्खास्त की जाएंगे। अब आप क्या कहेंगे सर, जनता पर जाएंगे, गृहमंत्री के पास जाएंगे, हम शिकायत करेंगे, तो अब आपकी तरफ से क्या कुछ होने वाला, अब आप क्या करोगे? देखिए मैं तो बैठा हूँ यहाँ पर आकर के, अभी आप लोगों का सवाल का जवाब मैं आधा घंटा एक घंटा जब तक आप लोग बैठे हैं तब तक मैं देता रहूंगा, और मौका देंगे तो पानी पी लूंगा। उसके बाद और हम क्यों माने कि आप सच बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं सर? उसके बाद जाएंगे आप मिलने के लिए, उनको बुलाएंगे आप जाएंगे उनके पास या उनको बुलाएंगे? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आप बताइए क्या होना चाहिए? आप अध्यक्ष हैं, आप खिलाड़ियों से बात करेंगे? वो मेरे खिलाड़ी हैं, मैं उनसे बात करूंगा उनके। आपको क्या लगता है कि विनेश ने जो आप पे इतने संगीन आरोप लगाए हैं, और उन्होंने ये तक कहा कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपके जैसे सुसाइड थॉट्स भी आए हैं और सुसाइड करने तक की भी नौबत उनकी आगे की, वो ऐसा वो कह रही इतना प्रताड़ित, वो अपने बारे में कह रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो धरना में बैठे थे उनमें से एक को भी कुछ कुछ हो जाता है तो अध्यक्ष साहब जिम्मेदार होंगे। उन्होंने साफ साफ भगवान करे उनको कुछ ना हो, उनको क्या है कुछ होगा। क्यों बताइए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी ना, फेयर जांच होगी। अगर आप अपना पद छोड़ देंगे, अगर जांच होती है तो एक फेयर जांच हो पाएगी। आप क्या चाहते हैं कि अब आप क्या होना, एक सवाल का जवाब छोड़ने पर तो बताया कम से कम। देखिए जो ये सारे आरोप लगाए गए हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा हो कि वो लिख करके दे दें, तो कुछ जवाब हम दे सकते हैं, कुछ चीजों की जवाब हम दे सकते हैं, और कुछ 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 चीजों की जांच हो जाएगी, सीबीआई जांच हो जाए, एलआईयू जांच हो जाए, पुलिस की जांच हो जाए,